हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेनिंग क्वारी पर। और जो ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे पास, वो लुधियाना फिरोजपुर सेक्शन की आ रही थी। तो आज इसी तरफ चलते हैं अपने। लुधियाना से जगराव मोगा तलवंडी के रास्ते फिरोजपुर तक क्या इलेक्ट्रिफिकेशन की पोजीशन है, इसको जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि रेलवे की हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे। 0:96:12 में अपने आज चलेंगे और ये ट्रेन जो है निकल चुकी है लुधियाना से। लुधियाना में जो है आप ये ओवरब्रिज देख रहे हैं, इसकी परली तरफ डबल इलेक्ट्रिक ट्रैक है जो दिल्ली से आता है जम्मू और अमृतसर के लिए। बिल्कुल अपने ट्रैक के पैरेलल पैरेलल जो ट्रैक जा रहा है, ये जा रहा है संगरूर की तरफ, धूरी और जाखल के लिए अपना रेलवे ट्रैक जो है वो चल रहा है। और इस समय अपने मॉडल ग्राम रेलवे स्टेशन जो है, हाउट रेलवे स्टेशन है ये, लुधियाना के अंदर ही आता है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और यहाँ पे पैसेंजर के अलावा एकमात्र जो सतलज एक्सप्रेस ही रुकती है। यहाँ पे कोई भी काम अभी शुरू हुआ नहीं था जब मैंने इसको जो है वो कैप्चर किया। मॉडल ग्राम से जस्ट आगे निकलने के बाद दूसरी तरफ यानी रेलवे लाइन के लेफ्ट तरफ अपने जो है वो शुरू किया कैप्चर, क्योंकि इसी तरफ जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना है। आप देख सकते हैं फाउंडेशन जो है वो लुधियाना रेलवे स्टेशन, लुधियाना शहर के अंदर ही बन चुके हैं। बनोड़ पंजाब की बात करूँ तो जो बद्दोवाल से आगे है, तो यहाँ पर भी जो है वो बनाए जा चुके हैं फाउंडेशन। काम काफ़ी समय से चल रहा है, जिस हिसाब से पोजिशन है नहीं, पक्के बिल्कुल किए जा चुके हैं। इस समय अपने हैं 24 किलोमीटर की दूरी पे। और अगर मैं बात करूं कि नंबरिंग के हिसाब से है, तो लुधियाना से 124 किलोमीटर पड़ता है फिरोजपुर, और जो नंबरिंग है वो लुधियाना से 0 मानकर फिरोजपुर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 30 किलोमीटर की इस समय दूरी पर है और चौकीमान रेलवे स्टेशन के पास में है, क्योंकि ये पड़ता है लुधियाना रेलवे स्टेशन से 31 किलोमीटर की डिस्टेंस को। यहाँ पे प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ यानी चौकीमान रेलवे स्टेशन के दोनों आउटर में होम सिग्नल की तरफ जो है वो फाउंडेशन बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। और इस समय अपनी ट्रेन जा रही है चौकीमान से जगराम की तरफ, और 36 किलोमीटर का जो माइलस्टोन मुझे मिला उसके आसपास अभी काम होना बाकी है। यानी मैं बात करूं अगर प्रोग्रेस की, तो वर्क ऑफ डायरेक्शन जो है वो लुधियाना से चल चुका है और चौकीमान तक हो चुका है, और आगे जो है जगराम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जगराम से भी जो है काम शुरू हो चुका है, क्योंकि 37/6 का माइलस्टोन अपने पास से निकला और यहाँ पे आप देख सकते हैं काम हुआ नहीं था, यानी यहाँ अभी होना बाकी है। और जगराव की दूरी की बात करूँ तो ये पड़ता है 40 किलोमीटर की दूरी पे लुधियाना से। तो इस समय अपने जगराव में आउटर में, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे काम हुआ है, यानी पैचेस में काम चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में नहीं चल रहा। जगराव से चौकीमान की तरफ भी चल रहा है और जगराव से मोगा की तरफ भी काम अपने को आगे देखेगा। लेकिन जगराव रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म था एक नंबर, इस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 3 या 4 लाइनें हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगेंगे, तो कोई ब्रैकेट्स, कोई पोल या कोई वायरिंग या कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पर नहीं दिखा। जगराव रेलवे स्टेशन से जब अपने निकलते हैं तो उसके बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फाउंडेशन जैसे पीछे बने हैं वैसे ही बने हैं। तो यानी अब अपने लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे आ चुके हैं लुधियाना से, 40 किलोमीटर अपने मान सकते हैं काम हो चुका है। और जगराम से अपने निकले मोगा के लिए, इसमें 2 रेलवे स्टेशन आगे अपने को मिलेंगे। 44 किलोमीटर की दूरी है अब अपनी, 44 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं काम लगभग 4 किलोमीटर और आगे मोगा से, मोगा की तरफ आ गए। जगराम से काम चल रहा है, नानकसर रेलवे स्टेशन जो कि 48 किलोमीटर पड़ता है लुधियाना से, नानकसर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो फाउंडेशन बनाए जा चुके हैं पोल्स के लिए। उसके बाद आएगा अब अपने ये मलिक नाला जो 48 किलोमीटर है लुधियाना से, इसके आसपास अभी काम होना बाकी है। यानी नानकसर से बढ़ रहे हैं अपने अजीतवाल की तरफ। अजीतरा रेलवे स्टेशन के पास जो है वो पहली बार यहाँ पे जो है कि आप या आउटर होम सिग्नल इसका आया है, यहाँ पे जो काम अभी शुरू हुआ है, मतलब यहाँ से चल रहा है अपने काम, अजीतवाल से परली तरफ चल रहा है, इस तरफ नहीं कह सकते। और अजीतवाल 54 किलोमीटर यानी 54 किलोमीटर पे है, और अजीतवाल निकलने के बाद भी लगभग 1 से 2 किलोमीटर तो आप देख सकते हैं फाउंडेशन अभी बनाए जा रहे हैं, होम सिग्नल अभी क्रॉस किया आपने, इसके बाद मुझे नहीं मिले। यानी मैं मोटे मोटे रूप में ये कह सकता हूँ कि चाहे वो पड़ाव महना हो, चाहे मोगा रेलवे स्टेशन हो, यहाँ तक मैंने इसको कवर किया था। मोगा रेलवे स्टेशन जो है वो 69 यानी 69 किलोमीटर है लुधियाना से, आगे मुझे कोई भी फाउंडेशन नहीं मिले, यानी पीछे काम जो है वो प्रोग्रेस से बढ़ रहा है। अगर मैं फिरोजपुर की बात ही कर लूँ, तो चाहे वो जलंधर से अपने बात करें, जलंधर से काम शुरू हुआ है, लुधियाना से फिरोजपुर की बात करें तो लुधियाना से शुरू हुआ है, और बठिंडा से फिरोजपुर की बात करें तो बठिंडा से फिरोजपुर की तरफ शुरू हुआ है। और जितना मोटा मोटा अनुमान है, लगभग जून से सितंबर 2022 तक तीनों तरफ से इलेक्ट्रिफिकेशन का कंप्लीट वर्क जो है वो फिरोजपुर की तरफ हो जाएगा, एटलीस्ट जो है वो पोल लगाने का काम हो जाएगा। तो ये था वीडियो लगभग मोगा से लुधियाना के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो से संबंधित कोई इंक्वायरी या सुझाव तो आप मुझे कमेंट करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए सेक्शन पर, तब तक के लिए जय हिंद।